अंदर आ गए। देन आई विल विजिट AHIJK, लेकिन इनमें से किसी का भी कोई एक चिल्ड्रन नहीं है, तो लिहाजा जो क्यू है उसका साइज़ जो है वो बढ़ेगा नहीं, बल्कि क्या हो जाएगा, उसका जो उसके अंदर एलिमेंट्स मौजूद है वो क्या हो जाएंगे, कम होते जाएंगे। तो यहाँ पे देखें, एज को विजिट किया तो अब साइज़ क्या हो गया, क्योंकि एज का कोई चिल्ड्रन नहीं है, तो इस वजह से ये हमारे पास इस तरह से उसका एलिमेंट के जो क्यू के अंदर मौजूद है वो क्या हो गए, कम हो गए। और इसी तरह से मैं क्या करूँगा, बाकी सारे के सारे नोड्स को जो है वो विजिट कर लूँगा। तो जैसे मैं नोड को विजिट करूँगा तो इसका रिजल्टेंट किस तरह से, सबसे पहले मैंने ए को विजिट किया, देन आई विजिटेड दिस बी एंड सी डी ई। तो ये विजिटेड नोड जो है वो इस तरह से उसके हर लेवल वाइज मैंने इस तरह से उनको विजिट किया। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास मेमोरी रिक्वायरमेंट जो इसकी इस ट्री के लिए थी, ऐसा ट्री जिसका ब्रांचिंग फैक्टर 2 है एंड द डेप्थ इज 3, तो मेमोरी रिक्वायरमेंट फॉर दिस ट्री वाज टू ट्रैवर्स दिस ट्री बाय यूजिंग ब्रेथ फर्स्ट सर्च, सो मेमोरी रिक्वायरमेंट वाज 8। सो लुक एट हेयर, तो 8 कहाँ पे आ रहा है, 8 कहाँ पे हमारे पास आ रहा है कि जब हमने जी को ट्रैवर्स किया था यहाँ पे, कि मेरे पास लेवल 3rd जो है उसकी सारी नोड को ट्रैवर्स किया था, तो उसके सारे के सारे चिल्ड्रन यहाँ पे मौजूद थे, तो ये क्यू के अंदर मौजूद थे, तो यहाँ पे इसका साइज़ जो है वो हमारे पास क्या आया, मेरे पास जो है वो 8 आ गया। तो एक और एग्जांपल जो कि मैं यहाँ पे आप लोगों से कहूँगा कि आप इसको सॉल्व करें, तो ऐसा ट्री जिसका ब्रांचिंग फैक्टर जो है वो 2 है, तो डेप्थ उसके ब्रांचिंग फैक्टर, सॉरी यहाँ पे मेरे पास ब्रांचिंग फैक्टर कितना होना चाहिए, यहाँ पे ब्रांचिंग फैक्टर 3 और डेप्थ उसकी क्या है कि 2 है। तो जस्ट ट्रैवर्स दिस ट्री बाई यूजिंग ब्रेथ फर्स्ट सर्च एंड बाई यूजिंग क्यू डेटा स्ट्रक्चर, क्योंकि इसके अंदर क्यू डेटा स्ट्रक्चर यूज़ होता है, तो जस्ट कैलकुलेट करें, देखें कि उसकी जो है मेमोरी रिक्वायरमेंट कितनी आती है। तो जब आप देखेंगे तो इसकी मेमोरी रिक्वायरमेंट के अंदर भी उसी तरह से व्हेन यू ट्रैवर्स बी व्हेन यू चेक दी नोड्स ऑफ बी सी डी, सो ये जितने भी चाइल्ड हैं ये मेमोरी के अंदर होंगे, तो इसकी क्या होगा कि इसकी जो मेमोरी रिक्वायरमेंट होगी वो 9 होगी। ठीक है, तो इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा ज़रा। इन द बिगनिंग ऑफ दिस लेक्चर वी डिस्कस्ड सम प्रॉपर्टीज ऑफ सर्च टेक्निक्स सच एज मेमोरी कॉम्प्लेक्सिटी एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इन आवर प्रीवियस 3 एग्जाम्पल्स वी कैलकुलेटेड द मेमोरी रिक्वायरमेंट और फॉर टू ट्रैवर्स एनी ट्री बाई यूजिंग दी ब्रेथ फर्स्ट सर्च टेक्निक। सो दी अनदर प्रॉपर्टीज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हम नंबर ऑफ नोड्स के ऊपर मैप कर देते हैं, कि अगर नंबर ऑफ नोड्स एक ट्री की ज़्यादा हैं तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, तो एक ऐसा ट्री जिसकी नंबर ऑफ नोड्स हैं वो थोड़ी हैं उसको लिहाजा कम टाइम लगेगा। तो हम उन्हीं एग्जाम्पल्स को ले लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है कि वही ट्री है विच हैव दी ब्रांचिंग फैक्टर 2 एंड डेप्थ इज़ 2, तो नंबर ऑफ नोड्स टोटल यहाँ पे कितनी होंगी, तो यहाँ पे टोटल नोड आप कैलकुलेट करें देखें ज़रा, तो वो हमारे पास 7 है, लेकिन इसको थोड़ा सा एक फार्मूला के तहत देख लेते हैं ताकि हम उसको एक जेनेरिक फार्मूला दे सकें। सो हेयर इज़ दी एट फर्स्ट लेवल एट डेप्थ 0, सो डेप्थ एट डेप्थ 0 देर इज़ दी ब्रांचिंग फैक्टर 2 रेज टू पावर 0, सो दी नंबर ऑफ नोड्स ओवर हेयर एट दिस लेवल इज़ 1, सो इन नेक्स्ट लेवल दी डेप्थ एट डेप्थ 1, सो बी रेज टू पार डी मीन बी रेज टू पार 1 एट दिस पॉइंट डेप्थ इज 1, सो बी रेज टू पार 1 विच इज 2, एंड इन नेक्स्ट लेवल और एट डेप्थ 2 बी रेज टू पार 2 विच इज इक्वल टू 4, सो एड अप दीज 3 वैल्यूज विच इज इक्वल टू 7। सो इन दिस तो हमें क्या चाहिए इसको ट्रैवर्स करने के लिए, हमारे हमारे पास कितनी नंबर ऑफ नोड्स हैं, 7 हैं। तो इसको इसी तरह से एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम। सो हमने इस एग्जांपल्स को देखा हुआ है, द ट्री विच हैव द ब्रांचिंग फैक्टर 2 एंड डेप्थ इज 3, द टोटल नंबर ऑफ नोड्स किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे, एट दिस लेवल द डेप्थ इज 0, सो बी रेज टू पावर 0 विच इज इक्वल टू ब्रांचिंग फैक्टर, चूँकि हमारे पास बी यहाँ पर ब्रांचिंग फैक्टर है, सो 2 रेज टू पावर 0 विच इज इक्वल टू 1, द पावर ऑफ एनी थिंग 0 इज इक्वल टू 1, एंड एट दिस लेवल पी रेज टू पावर 1 द डेप्थ इज 1, एंड देन इन नेक्स्ट लेवल द डेप्थ इज 2 एंड द ब्रांचिंग फैक्टर पार
बी रेज टू पावर टू विच इज़ इक्वल टू फोर, बी रेज टू पावर थ्री मीन बी बी इज़ इक्वल टू टू जो कि ब्रांचिंग फैक्टर को रिप्रेजेंट करता है, तो टू रेज टू पावर थ्री इज इक्वल टू एट, जस्ट एड अप ऑल दीज फोर वैल्यूज विच इज़ इक्वल टू फोर। सो हमारे पास एक जगह पे 7 नंबर ऑफ नोड्स आएंगे तो दूसरी जगह पे 15 नोड्स आएंगे, तो जाहिर बात है इसको ट्रैवर्स करने के लिए हमें ज़्यादा टाइम चाहिए होगा बनिस्बत उसके जो पहला हमारे पास जो ट्री आया। तो इसी तरह से इस नेक्स्ट और एग्जाम्पल जो है वो देखें जो कि हमने की है, आपको करने को कहा था ट्रैवर्स करने के लिए, लेकिन यहाँ पे हम नंबर ऑफ नोड्स को देखते हैं। यहाँ पे देखें नंबर ऑफ नोड्स इसका ब्रांचिंग फैक्टर चूँकि अब 3 है, तो यहाँ पे देखें एट दिस लेवल बी रेज टू पावर 0 दी वैल्यू ऑफ बी इज 3 बिकॉज दी ब्रांचिंग फैक्टर इज 3, 3 रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, 3 रेज टू पावर 1 इज इक्वल टू 3, 3 रेज टू पावर 3 2 इज इक्वल टू 9, सो दी नंबर ऑफ टोटल नोड्स इज इक्वल टू 13। तो यहाँ पे देखें इसका लेवल जो डेप्थ है वो 2 है, हमने जैसे नंबर ऑफ ब्रांचिंग फैक्टर को इंक्रीज़ किया तो यहाँ पे देखें नंबर ऑफ नोड्स भी हमारी क्या हो गई हैं वो बढ़ गई हैं। तो जैसे हम ब्रांचिंग फैक्टर को बढ़ाएंगे या हम क्या करेंगे उसकी डेप्थ को बढ़ाते हैं चेंज करते हैं तो वैल्यू भी चेंज हमारे पास हो जाती है। तो जस्ट लुक एट दिस पैटर्न, इस पैटर्न के साथ हम क्या करेंगे हम कोई एक जेनेरिक इसको लिख के देख लेते हैं कि क्या हमारे पास पैटर्न बनता है, तो उसको पैटर्न को ज़रा देखते हैं। सो द पैटर्न इज बी रेज टू पावर 0, बी रेज टू पावर 2, बी रेज टू पावर 3 प्लस बी रेज टू पावर 4 अप टू एंड सो ऑन। ये हमारे पास कहाँ तक जाएगा, जहाँ तक उसकी डेप्थ है बी रे अप टू डी बी रेज टू पावर डी। सो ये कुछ पैटर्न अगर देखें तो ये हमारे पास इज सिमिलर टू ज्योमेट्रिक सीरीज। सो ज्योमेट्रिक सीरीज़ का फार्मूला यहाँ पे अगर लगाएं तो वो फार्मूला हमारे पास क्या बनेगा वो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो इफ़ वी वांट टू कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ नोड्स और इफ़ वी वांट टू कैलकुलेट दी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, हमने उसको मैप कर दिया किसके ऊपर, नंबर ऑफ नोड्स के ऊपर, एंड द टोटल नंबर ऑफ नोड्स विजिटेड नोड बाय BFS, तो उसके लिए हमारे पास ये फार्मूला हमारे पास कुछ बनता है। हमने तीन जो एग्जांपल्स की थी हमने उनसे क्या किया फार्मूला बनाया। मैं इसी तरह से जब क्लास भी होती है तो उसके अंदर डिफरेंट एग्जांपल्स करके देता हूँ और कोशिश ये होती है कि स्टूडेंट इसको खुद ड्रॉ करे। तो आप भी इस तरह से इसको क्या करें अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करें उसको देखें। हम अब इसी फार्मूला को लेके क्या करते हैं एक एग्जाम्पल उसको एक एक एग्जाम्पल को करके देख लेते हैं। तो लुक एट एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल के मैंने जो की थी हमने खुद मैनुअल कैलकुलेट किया ताकि हम उसको वेरीफाई कर सकें कि आया कि ठीक किया कहीं। द ट्री हैविंग ब्रांचिंग फैक्टर 2 एंड डेप्थ इज इक्वल टू 3, तो जस्ट पुट दीज वैल्यूज इन दिस फार्मूला। सो 2 रेज टू पावर 3 प्लस 1 माइनस 1 ओवर 2 माइनस 1, 2 रेज टू पावर 4 विच इज़ इक्वल टू 16, 16 माइनस 1 15, 2 माइनस 1 1, तो हेयर इज़ द वैल्यू ऑफ टोटल नंबर ऑफ नोड्स फॉर ट्री विच हैव द ब्रांचिंग फैक्टर 2 एंड डेप्थ इज इक्वल टू 3, सो द टोटल नंबर ऑफ नोड्स इज 15। सो यहाँ पे हमने उसका एक फार्मूला भी देखा और इसको हमने कैलकुलेट भी किया। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने क्या किया, आज के लेक्चर के अंदर सबसे पहले हमने उसकी सर्च टेक्निक्स को हमने देखा। सर्च टेक्निक्स हमारे पास इन्फॉर्म अनइन्फॉर्म सर्च होती हैं, देन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनइन्फॉर्म्ड एंड इन्फॉर्म सर्च टेक्निक, एंड देन वी विल डिस्कस वी डिस्कस्ड दी एंड वी डिस्कस दी BFS इन डिटेल। हमने इसको उसकी मेमोरी कॉम्प्लेक्सिटी को देखा, हमने उसको ट्रैवर्स किया विद एग्जांपल्स और उसके मेमोरी को कैलकुलेट किया, हमने उसको देखा उसको क्यू के अंदर और हमने उसका एक जेनेरिक फार्मूला बनाया। और इसी तरह से जब नंबर ऑफ नोड्स की बारी आई या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बारी आई तो हमने भी उस तरह से एग्जांपल्स देखी और उसको एक मैप किया हमने एक जेनेरिक फार्मूला के ऊपर जो कि हमारा क्या बनता है ज्योमेट्रिक सीरीज बनती है। तो आप लोगों ने इस तरह से डिफरेंट प्रैक्टिस करें। मैं आज के लेक्चर के अंदर एक होमवर्क भी रखा हुआ है तो आपने क्या करना है इसको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे देखें होमवर्क क्या है आपका कि आप क्या करें इफ़ अ ट्री हैविंग ब्रांचिंग फैक्टर 4 एंड डेप्थ इज इक्वल टू 4 तो कैलकुलेट फॉलिंग्स टोटल नंबर ऑफ नोड्स विजिटेड बाय ब्रेथ फर्स्ट सर्च एंड मेमोरी रिक्वायरमेंट टू ट्रैवर्स दिस ट्री बाय यूजिंग BFS। होपफुली आप लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा। तो
इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, हम नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी उसके अंदर हम क्या करते हैं, हम DFS को देखेंगे, ठीक है।